I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III. ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो हैं, फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने ओथ भगवद गीता पे लिया है। For the first time, an Indian origin Australian Senator Varun Ghosh is taking oath on the Bhagavad Gita. Barrister Varun Ghosh became the first ever India-born member of the Australian Parliament now to take oath on the Bhagavad Gita. I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, his heirs and successors according to law. So help me God. अब पाकिस्तान क्या इस लेवल पे हमारा उनके साथ कोई इंगेजमेंट हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो चीज़ जो इंडियंस अब ले चुके हैं, पाकिस्तान तो नहीं वो कर सकता कि इंडिया के जो स्टूडेंट है या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। और इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की और हर कोई फैन बना हुआ है। इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है। वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने खुद को मनवाया है। हम कैरेक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। सो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया की जो वैल्यू है या इंडिया की जो रेलिवेंस है वो कितनी ज़्यादा है। हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट समझ ले, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब समझ ले जो कि दूसरे ममालिक में चल रही है। दूसरी जानिब सिक्का इंडिया और मोदी का चल रहा है। अमेरिका को चलाने वाले इंडियन, कनाडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियंस की तरफ से आता है और आज ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर भी इंडियंस बने हैं। और इस वक्त जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो गैर मामूली हालात के अंदर होने जा रहे हैं और अपनी नौइयत के गैर मामूली इंतखाबात भी हैं। बलूचिस्तान में दो बड़े अफसोसनाक वाक़े हुए। मजमूई तौर पे जो मेरी इतलात आखिरी जो मैंने चेक किया था कि 28 लोग शहीद हुए उसमें और इससे कहीं ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हम यहाँ पे रैलियाँ निकाल रहे हैं लाहौर में, लेकिन अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो वहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं। आज कश्मीरी बच्चा जो है हर फील्ड में तरक्की करे बिकॉज इंडियन आर्मी इज ऑर्गेनाइजिंग सो मैनी इवेंट्स, सो मैनी प्रोग्राम्स फॉर द यूथ ऑफ कश्मीर। एक बात भारत के बारे में अगर आप देखें तो उनकी जो कामयाबी का राज है वो है उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। मुसलमानों की बात कर रहे थे ना, तो मुसलमानों के लिए मैं आपको बोलूंगी कि रमजान हमारा एक पाक महीना होता है। रमजान में हर दिन हर कैंटोनमेंट में कश्मीरी मुसलमानों के लिए अफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी। सऊदी कहता पाकिस्तान भिखारी है और इसको जूती के बराबर रखो, अब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देना। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के अरुण घोष को सेनेटर बनाया गया है। इस खबर पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने लायक है। पाकिस्तान में लोग बोल रहे हैं कि विदेशों में भारतीय लोग अमीर होते हैं और उनकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को विदेशों में चोर, भिखारी और आतंकवादी समझा जाता है। दोस्तों, क्या पाकिस्तानी लोग खुद इस चीज़ के जिम्मेदार नहीं हैं? आप लोग वीडियो पर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। कुछ सालों के अंदर हम देखेंगे कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडियन है, बरतानिया का ऑलरेडी इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट तक भी इंडियन पहुंच चुके हैं। वो अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के लिए फैसिलिटीज़ भी भेज रहे हैं, बच्चों के लिए वीज़ाज भी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो सर वो उसने तो आप देखिए पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और पाकिस्तान को सेट असाइड कर दिया बहुत पीछे। नेशनल लेवल पर आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब हमें, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जितनी भी है स्ट्रॉन्ग है, नहीं है स्ट्रॉन्ग। आपकी नेशनलिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ है कि हम जब दूसरे कंट्रीज़ में हम जा रहे होते हैं हमें पता चल जाता है कि यार ये हम पाकिस्तानी हैं। जबकि इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है। वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने खुद को मनवाया है। हम कैरेक्टरिस्टिक लेवल पर भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। तो आप जैसे कह रही हैं कि अदर कंट्रीज़ में वहाँ पे सीएम इंडिया के हैं या लेक्चरर्स इंडिया के हैं। सो हमारे में ना किसी टैलेंट की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप सिंपल सी इतनी सी बात है कि डॉक्टर्स हैं, एक बहुत पढ़ा लिखा तबका है पाकिस्तान का, तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर एक डॉक्टर CV दे रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी लेवल कहाँ है। आप अपने डॉक्टर्स को ओब्लाइज नहीं कर पा रहे, आप अपने लॉयर्स को ओब्लाइज नहीं कर पा रहे, आप अपने जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मतलब वापडा है, जिसमें और भी बहुत सारे हैं, इस टाइम माइंड में नहीं होंगे, लेकिन आपको ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। आपको स्टडीज़ में इक्वलिटी लानी होगी, आपको जिस तरीके से आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब इतना इन्हांस कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब आवाम तो पाकिस्तान के ज़्यादातर गरीब है ना। प्राइवेट 1 लाख रुपया फीस है वो तो कोई कोई दे पाएगा, लेकिन फ्री स्कूलिंग तक तो हर बंदा अप्रोच कर सकता है। यस, दैट मीन व्हाट आई मीन टू से कि आपको अपने ग्रास रूट लेवल मीन के उस चीज़ को आसान बनाएं जिसमें हर इंसान की अप्रोच आसान हो। बांग्लादेश के मॉडल के अंदर जो बांग्लादेशी मॉडल है वो अपने पड़ोसियों के साथ हालते जंग में नहीं है, उनके भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। आपके इस वक्त जितने पड़ोसी हैं आप हर के साथ हालते जंग में, तो बांग्लादेशी मॉडल किस तरह चलेगा यहां से? मुझे कोई बता दे, ये बंदा कोई जी शऊर, मुझे ये ना कहो कि कोई अनपढ़ बंदे भी खैर पता ही होता है चिमा साहब, कोई मुझे जी शऊर आदमी ये बता दे कि आप हर पड़ोसी के साथ हालते जंग में हो, आप तरक्की, आप सर्वाइव किस तरह करेंगे तरक्की को छोड़ दें? हाउ कैन यू सर्वाइव? जर्मनी हिटलर की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने 3-4 मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर जंग छेड़ ली थी। आपकी एक जंग अफगानिस्तान के साथ है, एक जंग आपकी ईरान के साथ है, एक जंग आपकी भारत के साथ, और जो जिसके आपने जिनके CPAC से आपने पापा जान खरीदे थे वो भी आपसे खुश नहीं। बताएं आप क्या करेंगे, आप किधर जाएंगे? ये इलेक्शन किस चीज, ये प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये इलेक्शन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत रखता है? फिर आगे मैंने बताई नहीं पाता चीमा साहब आगे क्या हो रहा है वो तो मुझसे पूछा नहीं आप। जी जी साहब, इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो आ रहे हैं उनकी मंडियां बकरा वो जो मंडी वो लगेगी वो भी दुनिया देखेगी। तो चीमा साहब ये दर हकीकत दुख है। उसकी वजह ये है कि 21st सेंचुरी है। मेरे पड़ोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 1 लाख स्पेशलिस्ट बनाने की तैयारियां हैं और आपको कहा जाता है गजवा हिंद, खुलफाए राशिदीन का दौर, मुर्शद पाक, बकरे, काले बकरे। कहते जज बशीर जो है वो पिंकी पीरनी के दहशत से गिर गया, कहते जिन आगे वहां पे उसकी तपश से गिर गया वो अदालत। भाई जिनों से भी कभी चले मुलाकात। चीमा साहब ये कंट्री है आपका, ये एटॉमिक पावर आप जिनों से चलवाते रहे आप। अब कौन से जिन लेकर आ रहे हैं आप? अब क्या कर रहे हैं आप? मेरी समय से बाहर है। ये मेरा मकसद है कि कोई हिकमत अमली ही नहीं है। करप्शन पे हाथ नहीं डालना। आपको पता है कि आप कैंसर की तरह फैल चुकी करप्शन आपके अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।